नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। रीवा में इन दिनों लोगों को 5 लाख साल पुरानी मानव खोपड़ी, हजारों वर्षों पुराने डायनासोर के अंडे, जबड़ा और डायनासोर की पूंछ देखने को मिल रही है, जिसे देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग रीवा के समदड़िया मॉल में लगाई गई उत्कर्ष मध्य प्रदेश प्रदर्शनी में पहुँच रहे हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा लगाई इस प्रदर्शनी में लोगों को दुर्लभ चीजें देखने को मिल रही हैं। सबसे विशेष बात यह है कि प्रदर्शनी में रखी गई 5 लाख वर्ष पुरानी मानव खोपड़ी पत्थर में तब्दील हो चुकी है, जो होशंगाबाद में नर्मदा के किनारे मिली थी। बताया गया कि लाखों वर्ष पुरानी इस खोपड़ी के मिलने से ये सिद्ध होता है कि धरती पर 5 लाख वर्ष पहले भी मानव सभ्यता हुआ करती थी। दूसरा सबसे बड़ा अजूबा डायनासोर का अंडा पूंछ और जबड़े के हिस्से हैं। बताया गया कि डायनासोर का अंडा 67 मिलियन वर्ष पुराना है। हजारों वर्षों पुराने होने के कारण ये जीवाश्म पत्थर में तब्दील हो चुके हैं। इसके साथ ही यहाँ पर मैग्नीज, लिथियम माइका और अन्य भूगर्भीय वस्तुएं भी रखी गई हैं, जो विंध्य के लोगों को पहली बार देखने को मिल रही हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की सीनियर जूलॉजिस्ट सविता गायतोंडे ने बताया कि हम नागपुर से आए हैं। यहाँ इंसान और जानवरों के जीवाश्म रखे हुए हैं। इंसान की खोपड़ी को नर्मदा मैन का नाम दिया गया है, जो होशंगाबाद जिले के हथनोरा से मिली है। ये भारत से मिला एकमात्र उस समय का प्राचीनतम जीवाश्म है, जब इंसान चलना सीख रहा था। टाइटानोसोरस प्रजाति शाकाहारी डायनासोर की प्रजाति हुआ करती थी। डायनासोर के ये जीवाश्म गुजरात से मिले हैं। इसके अलावा जबलपुर के छोटा शिमला और बड़ा शिमला इलाके से भी डायनासोर के जीवाश्म मिले हैं। डायनासोर का अनडाइजेस्टेड कोब्रोलाइट्स भी यहाँ लाया गया है। कोब्रोलाइट से पता चलता है कि डायनासोर शाकाहारी प्रजाति का था या फिर मांसाहारी प्रजाति का। डायनासोर के पूंछ की हड्डी भी यहाँ पर रखी हुई है। टी रेक्स प्रजाति के डायनासोर मांसाहारी होते थे, जिसके दांत की हड्डी भी यहाँ पर रखी हुई।